ESL की ताजा खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए MTD न्यूज चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। जिस तरीके से इन्होंने पोर्टल में हमारे से डिमांड की है प्रिंसिपल अमाउंट की, अरे क्यों भाई प्रिंसिपल अमाउंट, हम पैसा ब्याज समेत लेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने MTD न्यूज चैनल में। तो दोस्तों, ये मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले का ही वीडियो दिखा रहा हूँ जो कि ये सेबी ऑफिस के बाहर का वीडियो है, दिल्ली के सेबी ऑफिस के बाहर का, और साइड में बैंक ऑफ बड़ौदा भी है जैसे कि आप देख सकते हैं। तो यहीं पे बाहर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, काफ़ी सारे निवेशक आए हुए हैं यहाँ पे। तो दोस्तों, आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे यह मांग उठ रही है कि सेबी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को बंद करे और ऑफलाइन प्रक्रिया चालू करे ताकि सभी लोगों को आवेदन सही से हो सके, क्योंकि ऑनलाइन आवेदन में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, ऑनलाइन आवेदन काफ़ी निवेशक नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, इसी बात को लेकर काफ़ी लोग इकट्ठा हुए हैं, काफ़ी निवेशक आए हुए हैं और सेबी ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिएगा। ये बताने आया है कि इस समस्या का समाधान यथाशीघ्र करें, अन्यथा हम उठने वाले नहीं हैं। अभी थोड़ी देर में जो भी हो रहा है ये आप लोगों के सामने होता रहेगा, क्योंकि इतना तेज बोलना गला खराब हो रहा है। मैं आप लोगों का आभारी हैं, हम आप लोगों के, कि आप लोगों ने इतना समय से आप इतनी जल्दी आ गए और सभी लोग 9:30 बजे तक यहाँ पहुँच चुके थे। ये सबके सबको IOSR की तरफ से धन्यवाद, जय हिंद जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इंद्रिका हमारे बीच के मकसद के लिए हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं वो बिल्कुल साफ है कि इस पोर्टल में सुधार किया जाए और सुधार के साथ साथ ऑफलाइन बैलेंस लेने का प्रबंध किया जाए। सेबी हमारे साथ मजाक ना करे, हमारा पैसा दे, हमारी मेहनत का पैसा दे। ये बिल्कुल बिल्कुल बात स्पष्ट है कि जिस तरीके से इन्होंने पोर्टल में हमारे से डिमांड की है प्रिंसिपल अमाउंट की, अरे क्यों भाई प्रिंसिपल अमाउंट, हम पैसा ब्याज समेत लेंगे। क्यों प्रिंसिपल अमाउंट ले हम, ये इस तरह की धोखेबाजी चलने नहीं देंगे। सात लोग पहले दिन जब ये संतुलन बना था तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने ये विश्वास दिलाया था कि PSU निवेशक के साथ धोखाधड़ी नहीं होने देंगे। आज साथियों संगठन होने के वजह से जो पल पल की बातें हैं और जिस तरीके का गेम प्लान इधर से चलाया जाता है उसको काटने के लिए आपका AISO संगठन तैयार खड़ा है साथियों। और ये धांधलेबाजी, ये चोर बाजारी इन्होंने पहले की होगी लेकिन अब नहीं करने देंगे भाइयों। ये हमारी मेहनत का पैसा है, हमारे हक हलाल की कमाई है, इसलिए इसको हम बड़े जतन से और बड़ी ईमानदारी से लड़के लेंगे। अगर डाका मारने की कोशिश की तो फिर इनका भी हसर बुरा ही होगा। जो साथी हमारे बीच में है, 2 मिनट के लिए हमारे बीच में हमारे AISO के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं, जो मीडिया का प्रभार संभाले हुए हैं भाई पवन खंडेलवाल जी, 2 मिनट वो भी अपनी बात खड़ा करते हैं। बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथियों, आप सब लोग पिछले 4 साल से जिल्लत की जिंदगी जी रहे हैं और हम सब मिलकर अपने हक के लिए, अपने पैसे के लिए यहाँ दिल्ली के चक्कर काट काट कर अपने जूते को बिछ चुके हैं। आखिर ये कब तक एक आंदोलन होता है? पिछला आंदोलन हुआ 2 जनवरी को, एक पोर्टल खोला था 2018 में और निवेशकों से कहा था ऐसे निवेशक जिनका पैसा 2500 रुपये से कम है वो इस पे आवेदन करें।
केवी ने लोडा कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। हो सकता है ज्यादा भीड़ होगी और ग्राहकों की संख्या 25 करोड़ ग्राहकों की संख्या 1 करोड़ हमारा पैसा दो यदि हमारा पैसा तो ऑनलाइन बंद करो ऑफलाइन चालू करो। 13,000 लोगों को मिला है मात्र 5% हो गया। 1% लोगों को भी पैसा नहीं मिला, ये क्या मिलेगा। हमारी ये डिमांड है कि अगर ये ऑनलाइन प्रक्रिया रही तो आवेदन ही नहीं हो पाएंगे और आवेदन नहीं हो पाएंगे तो हमें पैसा नहीं मिलेगा ही नहीं। दूसरी दोस्तों, देवी ने ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया लेकिन क्या ये डेट निर्धारित की कि आपका पैसा हम कब से देना शुरू करेंगे। हम ये भी देवी से डिमांड करते हैं ऑनलाइन पोर्टल के साथ साथ हमें ये भी सुनिश्चित करें कि आपका पैसा इस दिन से मिलना शुरू हो जाएगा और इस क्रम से मिलेगा। दोस्तों, बहुत सारी समस्याएं हैं, 20 समस्याएं हैं। आप में से बहुत सारे साथियों को चेक मिल गए थे, वो डिसऑनर हो गए, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। बहुत सारे साथियों ने एंडोर्समेंट कराए थे, पॉलिसी खरीद ली थी, अपने नाम करा ली थी, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। कितनी ऐसी पॉलिसियाँ हैं जिनको हम वहाँ फील करते हैं, वो बता देता हूँ। इनवैलिड नंबर आपके पास पॉलिसी है और कंप्यूटर बता रहा है इनवैलिड नंबर, इसका मतलब वो पॉलिसी किसकी है। इनके पास हमारा पूरा रिकॉर्ड ही नहीं है। साथियों, हम कहते हैं हमारे डिमांड है कि अगर ये ऑनलाइन प्रक्रिया रही तो आवेदन ही नहीं हो पाएंगे और आवेदन नहीं हो पाएंगे तो हमें पैसा नहीं मिलेगा ही नहीं। दूसरी दोस्तों, देवी ने ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया लेकिन क्या ये डेट निर्धारित की कि आपका पैसा हम कब से देना शुरू करेंगे। हम ये भी देवी से डिमांड करते हैं कि ऑनलाइन पोर्टल के साथ साथ हमें ये भी सुनिश्चित करें कि आपका पैसा इस दिन से मिलना शुरू हो जाएगा और इस क्रम से मिलेगा। दोस्तों, बहुत सारी समस्याएं हैं, 20 समस्याएं हैं। आप में से बहुत सारे साथियों को चेक मिल गए थे, वो डिसऑनर हो गए, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। बहुत सारे साथियों ने एंडोर्समेंट कराए थे, पॉलिसी खरीद ली थी, अपने नाम करा ली थी, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। कितनी ऐसी पॉलिसियाँ हैं जिनको हम वहाँ फील करते हैं, वो बता देता हूँ। इनवैलिड नंबर आपके पास पॉलिसी है और कंप्यूटर बता रहा है इनवैलिड नंबर, इसका मतलब वो पॉलिसी किसकी है। इनके पास हमारा पूरा रिकॉर्ड ही नहीं है। साथियों, हम कहते हैं इस तरह से हमारे ESL की ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए MTD न्यूज़ चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए।